हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी थी और उससे रिलेटेड हमने तीन रिजल्ट्स डिराइव करे थे। और इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स ऑन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर आप डायरेक्टली इस सेकंड लेक्चर पे आ गए हैं तो आप एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप फर्स्ट लेक्चर को गो थ्रू कीजिए। और फर्स्ट लेक्चर में जो हमने रिजल्ट्स डिराइव करे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम के, वो उनका डेरिवेशन देखिए, उनका प्रोसेस देखिए, और उसके बाद फिर आप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। इलस्ट्रेशन 1 जो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड है, एंड इसमें दे रखा है इन द गिवन ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल आपके सामने फिगर दिख रहा होगा आपको, उसमें DE पैरेलल है BC के, एक साइड दे रखी है DE पैरेलल है BC के। आपको AD अपॉन DB का रेशियो दे रखा है, दैट इज 3/5, और AC की लेंथ 5.6 दे रखी है। तो आई एम मार्किंग द लेंथ ऑफ AC एज 5.6। नाउ फाइंड AE, आपको AE की लेंथ निकालनी है। तो जैसे जिस भी आपको लेंथ की वैल्यू निकालनी है, AE की लेंथ निकालनी है आपको, तो आप AE को x डिटरमाइन कर लो। तो सपोज कर लो आप x, तो AE की वैल्यू अगर आपने x सपोज कर ली तो EC की वैल्यू आ जाएगी 5.6 माइनस x, क्योंकि टोटल लेंथ आपके पास थी 5.6, उसमें से x आपने सपोज कर ली तो 5.6 माइनस x हो गई EC। नाउ यूजिंग BPT और अप्लाइंग BPT, BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फॉर द ट्राइंगल ABC, पूरे ABC ट्राइंगल में मैं BPT लगा रहा हूँ। इट इज गिवन दैट DE पैरेलल टू BC, DE साइड पैरेलल है BC के, सो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। नाउ AD अपॉन DB इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 3/5, ऑल्सो AE अपॉन EC, सो वैल्यू ऑफ AE इज x एंड वैल्यू ऑफ EC इज 5.6 माइनस x, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5.6 माइनस x इज इक्वल्स टू 5x, सो आई एम कैलकुलेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू 56 × 3, बिकॉज 5.6 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 16.8। सो 16.8 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5x, 16.8 इज इक्वल्स टू 8x, बिकॉज यहाँ पे अगर माइनस 3x रखा हुआ है उधर जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 16.8 अपॉन 8, सो वैल्यू ऑफ x इज 2.1, बिकॉज अगर आप 2.1 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 16.8 ही मिलने वाला है। सो AE इज 2.1, यहाँ पे यूनिट्स मेंशन नहीं है तो इसलिए हम ओनली यूनिट्स लिख देते हैं, 2.1 यूनिट्स, बिकॉज अगर AC 5.6 सेंटीमीटर गिवन होता तो आई वुड हैव रिटन AE इज इक्वल्स टू 2.1 सेंटीमीटर, वहाँ पे कुछ गिवन नहीं है इसलिए मैं 2.1 यूनिट्स लिख देता हूँ। सो ये प्रॉब्लम वो थी कि जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी थी AE की, और हमने इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दिया, बिकॉज एक लाइन ऐसी गिवन थी जो दो साइड्स को काट रही थी और पैरेलल टू द थर्ड साइड थी, DE पैरेलल टू BC, तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई जा सकती थी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज दिस क्वेश्चन नंबर 2 सेज? एक आपको फिगर दे रखा है और एक ट्राइंगल ABC आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर सेम का सेम DE पैरेलल टू BC है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको AD की वैल्यू गिवन है एंड DB की वैल्यू x माइनस टू गिवन है, AE की वैल्यू x प्लस टू गिवन है एंड EC की वैल्यू x माइनस वन गिवन है। सो यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ x हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है। तो हम एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, एंड ट्राइंगल ABC, इट इज गिवन दैट DB पैरेलल टू बेस BC, DB पैरेलल है BC के, सो अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल थ्योरम। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि AD
upon DB is equals to AE upon EC. So AD upon DB is equals to AE upon EC. I'm writing the value of AD as X, DB, X minus 2, AE, X plus 2, and EC, X minus 1. Now, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो x माइनस वन, x माइनस टू, x इनटू x माइनस वन, इज इक्वल्स टू x माइनस टू इनटू x प्लस टू, सो x स्क्वायर माइनस x, और यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, x स्क्वायर माइनस फोर, सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस x माइनस फोर के बराबर आ रहा है, सो द वैल्यू ऑफ x इज फोर. तो इस क्वेश्चन में हमें केवल x ही डिटरमाइन करना था, तो x की वैल्यू 4 आ गई. बाय वी हैव यूज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन दिस क्वेश्चन एज वेल. तो प्रीवियस क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था जिसके अंदर अननोन वेरिएबल दे रखा था, इसमें भी एक अननोन वेरिएबल दे रखा है और उसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की मदद से हमने निकाल दिया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. आपको एक पॉइंट, एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, और D एंड E बी द टू पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी. ए बी पे आपको दो पॉइंट्स साफ दिख रहे होंगे, D और E. अच्छा, इस तरीके से दिए हुए हैं कि ए डी की लेंथ और बी की लेंथ इक्वल आ रही है. सो ए डी ये इतना सा टुकड़ा हो गया और बी ई इतना सा सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है. तो ए डी इज इक्वल्स टू ई बी इफ़ डी पी पैरल टू बी सी. एक लाइन सेगमेंट है डी पी, वो बेस बी सी के पैरल है, और ई क्यू पैरल टू ए सी, तो ई क्यू इज पैरल टू ए सी. You have to prove PQ, एक रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है, PQ parallel to AB आ जाएगा. तो एक काम करते हैं, हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के जो रिजल्ट सीखे थे एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं. जैसे अगर मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं ABC की, और इसके अंदर एक लाइन सेगमेंट हमने कंसीडर कर ली है, फॉर एग्जांपल DP, और DP parallel है BC के. अब मैं तीनों के तीनों रिजल्ट जो भी हमने पढ़े इस ट्राइंगल ए बी सी के लिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम के थ्रू, वो सारे एक साथ लिख देता हूँ. तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी सी. तो ये वाला रिजल्ट तो हम अभी तक लगाते आ रहे हैं, प्रीवियस दो क्वेश्चंस में भी हमने लगाए हैं. हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए डी उठा लिया और साथ में हमने पूरा पूरा ए बी उठा लिया. सो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन AC. This is result number 2. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने DB उठा लिया और यहाँ पे पूरी पूरी लाइन सेगमेंट AB उठा ली. DB upon AB is equals to इस तरफ से PC upon AC. This is the result number 3 of basic proportionality theorem. So we can use any of these three results in any of the question. तो इस question में हमें prove करना है कि PQ parallel to AB है. तो मैंने ये प्लान करा, सबसे पहले मैं ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करता हूँ, और ट्राइंगल ए बी सी में मुझे एक लाइन सेगमेंट पैरेलल दिख रही है साफ साफ. फर्स्ट स्टेटमेंट में वो लिखा हुआ है कि डी पी पैरेलल है बी सी के, और सो बाय अप्लाइंग बी पी टी आई मे राइट द रिजल्ट एज ए डी अपॉन, मैं फुल लेंथ ले रहा हूँ, देखो रिजल्ट नंबर 2, ए डी अपॉन ए बी is equals to AP upon complete AC. तो ये तो हुआ result 1, मतलब जो मैंने आपको सिखाया उसका result 2. और हम इसको एक काम करते हैं, question के हिसाब से equation number 1 determine कर लेते हैं या assume कर लेते हैं. Now coming to the next triangle, मुझे दे रखा है कि EQ भी है parallel AC के. EQ parallel है तो मैंने triangle BAC consider करा. वैसे ए बी सी और बी ए सी तो बात एक ही है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख जाए कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है, इसलिए मैं बी ए सी बोल रहा हूँ, क्योंकि ई क्यू पैरेलल है इस बार, बेस हो जाएगा इस बार ए सी, ई क्यू पैरेलल है ए सी के. तो हम रिजल्ट नंबर 2 लगा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का. सो बी ई अपॉन बी ए इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन बी सी. सो बी ई अपॉन बी ए इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी. अच्छा, सिंस क्वेश्चन में गिवन है ऐसा यहाँ पे कि ए डी की वैल्यू और बी ई की वैल्यू बराबर है,
AD बराबर है BE के, तो जहां पे भी BE लिखा हुआ है वहां पे हम AD भी लिख सकते हैं। तो आई एम राइटिंग इट अगेन, BE की जगह हम डाल रहे हैं AD, AD अपॉन BA इज इक्वल्स टू BQ अपॉन BC। सो इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ। सो फ्रॉम 1 एंड 2 यू आर एबल टू सी के लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों का सेम है, AD अपॉन AB, और उसका भी AD अपॉन AB है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड्स को भी सेम होना पड़ेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AP अपॉन AC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन BC। सो अगर आप फिगर में देखें, ध्यान से देखना, AP अपॉन AC ये पूरी पूरी लेंथ इज इक्वल्स टू BQ अपॉन BC। तो अगर आप C पॉइंट पे खड़े हैं तो आपको ये AP की लेंथ और ये पूरा AC की लेंथ और BQ की लेंथ और ये पूरा BC की लेंथ ये बराबर दिख रही है। तो हम वी कैन राइट इट एज बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दैट इज BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से इफ रेशियोज आर सेम देन लाइन्स मस्ट बी पैरेलल, सो PQ मस्ट बी पैरेलल टू AB एंड इन द क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव PQ इज पैरेलल टू AB। तो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा आसानी से कि PQ किसके पैरेलल है AB के, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्योंकि अगर आप सी पॉइंट पे खड़े हैं तो सी पॉइंट से आपको रिजल्ट नंबर 3 अप्लाई होता दिख रहा है कि BQ अपॉन BC इज इक्वल्स टू AP अपॉन AC, तो ये लाइन PQ पैरेलल हो जाएगी AB के। तो अगर रेशियो सेम होते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज इज, एक फिगर आपको दे रखा है, अगेन इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल है, वेरियस ट्राइंगल्स है। अगर मैं आपसे बात करूँ, हम स्टार्ट करते हैं ABC से। सो आप ABC ट्राइंगल पे देखिए, AC पैरेलल दे रखा है हमें DE के, और अगर आप ABP पे खड़े हैं, ABP ट्राइंगल को देखिए तो DC पैरेलल हो जाएगा AP के, DC पैरेलल हो जाएगा AP के। एंड यू हैव टू प्रूव ये दो चीज़ें जो पैरेलल वाली स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन में गिवन है, और यू हैव टू प्रूव BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BC अपॉन CP, BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BC अपॉन CP, ये आपको प्रूव करना है। सो वी कैन स्टार्ट इट एज विद अ क्वेश्चन विद अ ट्राइंगल ABC। हम एक ट्राइंगल उठा लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। अच्छा, अगर हमने ट्राइंगल ABC उठाया तो ABC में हमें लाइन सेगमेंट्स भी ढूंढनी होगी जो पैरेलल है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल है AC के, सो DE पैरेलल हो जाएगी AC के। हम BPT अप्लाई इजीली कर सकते हैं इसके अंदर। तो आई एम राइटिंग इट एज BD अपॉन, रिजल्ट नंबर 1 यूज कर रहा हूँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, दिस इज द रिजल्ट नंबर 1। और इक्वेशन 1, नाउ इन ट्राइंगल ABP DC पैरेलल है AP के। सो DC अगर पैरेलल है AP के, सो BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BC अपॉन CP, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BC अपॉन CP। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो यू कैन सी इन द फर्स्ट इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में BD अपॉन DA दे रखा है, और सेकेंड इक्वेशन में भी BD अपॉन DA दे रखा है। तो अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर है तो इनके राइट हैंड साइड्स को भी सेम होना पड़ेगा। सो आई कैन राइट इट एज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BC अपॉन CP।
CP. BE upon EC is equals to BC upon CP, and this is what we have to prove in this question. So you can see is prove that BE upon EC is equals to BC upon CP. So equation 1 or equation 2 se mil gaya aur bahut hi aasan question tha, humne normal basic proportionality theorem apply kiya. Now coming to the next question, that is question number 5. In this question, in triangle ABC, ek aapko triangle de rakha hai ABC, angle bisector divides, ye AD ek angle bisector hai, divides the opposite side. AD सामने वाली साइड को डिवाइड कर रहा है BC को इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग इट. सो टू प्रूव इस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड प्रूविंग दिया हुआ है हमें कि ये प्रूव करना है हमें. अच्छा आप है ना इसको थ्योरम भी कंसीडर कर सकते हो, अगर वन मार्क्स टाइप क्वेश्चन आता है तो इस थ्योरम को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. ऑल दो NCERT बुक में ये थ्योरम नहीं दे रखी है, अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज या फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज को रेफर करेंगे तो यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन देयर इन दैट एक्सरसाइज. और अगर आप डायरेक्टली यूज़ करने की बात आई तो क्वेश्चन वन मार्क्स का है तो डायरेक्टली इसके रिजल्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ फोर मार्क्स सो वी हैव टू प्रूव फर्स्ट एंड देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट इन द क्वेश्चन. सो हमें प्रूव क्या करना होगा कि एक एंगल बायसेक्टर है AD और वो सामने वाली साइड को डिवाइड कर रहा है दो टुकड़ों में BD और DC. सो हमें प्रूव करना होगा कि ये BD और DC का रेशियो, BD अपॉन DC का रेशियो बराबर होगा AB अपॉन AC के रेशियो के. और गिवन ये है कि एक ट्रायंगल है ABC और AD इज एंगल बायसेक्टर, उस ट्रायंगल का AD एक एंगल बायसेक्टर है. आपको प्रूव करना होगा कि BD और DC का जो रेशियो आ रहा है वो AB और AC के बराबर आएगा. दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एंगल बायसेक्टर AD डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड, सामने वाली साइड को डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग इट. सो व्हाट डज दिस एंगल बायसेक्टर कंटेन्स, इट इन कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स AB एंड AC. देखो एंगल बायसेक्टर दो साइड से जुड़ा हुआ है, तो ये वाली साइड AB से भी जुड़ा हुआ है और AC से भी जुड़ा हुआ है. देखो AB से भी जुड़ा हुआ है और AC से भी जुड़ा हुआ है, तो AB और AC का जो रेशियो होगा वही सामने वाली साइड का रेशियो वो कर देगा एंगल बायसेक्टर. तो अगर ये एंगल बायसेक्टर है तो अगर मैं इस एंगल को थीटा अज्यूम करूँ तो दिस विल ऑल्सो बी थीटा. अगर हम एक काम करते हैं इसको थीटा 1 और थीटा 2 अज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ से हमें पता लगेगा सिंस इट इज़ अ एंगल बायसेक्टर तो थीटा 1 और थीटा 2 तो सेम ही होंगे, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ऐसा मान लीजिए. अच्छा कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा इसके अंदर. अच्छा कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा कि आप क्या करिए कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. एक काम करते हैं इस थ्योरम वर्ड को हटा देते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन आपको इजीली समझ में आ जाए. यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, ब्लू पेन से मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, और वो पैरेलल आप बनाएंगे AD के. सो ड्रॉ और आगे इस AB साइड को प्रोड्यूस कर दीजिए P पॉइंट तक. तो हम यहाँ से लिखेंगे ड्रॉ CP पैरेलल टू AD एंड प्रोड्यूस, आपको प्रोड्यूस करना होगा BA को टू पॉइंट P. ड्रॉ कर दो CP को पैरेलल टू AD और आप प्रोड्यूस कीजिए BA को, और किस पॉइंट तक, P पॉइंट तक प्रोड्यूस कीजिए. सो आप क्या करना, जैसे अगर आपने ये दो लाइंस पैरेलल खुद से ही ड्रॉ करी है तो यहाँ पे अगर थीटा 2 एंगल आ रहा है सो दिस एंगल मस्ट ऑल्सो बी इक्वल्स टू थीटा 2, बिकॉज इफ द लाइंस आर पैरेलल, इफ AD इज पैरेलल टू BC, सॉरी AD इज पैरेलल टू नॉट B, इट इज PC. AD इज पैरेलल टू PC, सो एंगल DAC मस्ट बी इक्वल टू ACP. ये DAC बराबर होना पड़ेगा ACP के. अच्छा सो अगर ये थीटा 2 है तो ACP भी क्या हो जाएगा, हमने थीटा 2 अज्यूम कर लिया. ऑल्सो
अच्छा ये बराबर क्यों होना पड़ेगा, बिकॉज उसका हम रीजन लिख देते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑल्सो बी ए डी, ये जो थीटा वन दे रखा है बी ए डी, इस थीटा वन को बराबर होना पड़ेगा, यहां पे भी थीटा वन आएगा बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से. सो बी ए डी इज इक्वल्स टू ए पी सी इज इक्वल्स टू, आई एम राइटिंग इट एज थीटा वन एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ द लाइन्स आर पैरेलल, ये हमने सुना ही हुआ है. सो इन ट्राइंगल ए पी सी, आपको अब ट्राइंगल ए पी सी दिख रहा होगा, ये ब्लू पेन से बनाया हुआ है मैंने, और थीटा टू बराबर है, और ये तो क्वेश्चन में भी गिवन है कि थीटा वन और थीटा टू बराबर है. सो इट इज आइसोसेलेस, क्योंकि अगर दो एंगल सेम है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स इक्वल हैं, और वो कौन कौन सी होंगी, एंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. सो ए पी बराबर आ जाएगी किसके, ए सी के. सो ए पी बराबर आ जाएगा ए सी के. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें प्रूव करना था कि बी ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी. सो मैं इस ट्राइंगल बी पी सी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, बी पी सी, ध्यान से देखिएगा, so this point is B, this point is P and this point is C, and यहाँ पे एक लाइन है जो कि A और D हो गई, these are the points A and D. हमने construction से AD parallel to BC बनाया, यहाँ से एक join मिल रहा है हमें AC का question के अंदर. so in triangle BPC साफ साफ दिख रहा है, AD पैरेलल है PC के, अप्लाइंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं. सो व्हाट डज दिस BPT सेज इज कि अगर लाइंस पैरेलल है तो रेशियो सेम होंगे. सो BA अपॉन AP, BA अपॉन AP इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC, तो BA अपॉन AP बराबर आ जाएगा BD अपॉन DC के. मोरओवर सिंस AP बराबर है किसके, AC के, दिस इज प्रूव्ड अबव, ये आपको दिख भी रहा होगा कि हमने यहां पे प्रूव करा है कि AP बराबर है किसके, AC के. सो जहां पे भी AP लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में AB है तो डिनोमिनेटर में AP लिखा हुआ है, आप उस AP को रिप्लेस करके AC भी लिख सकते हैं. सो AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC, यही यही आपको प्रूव करना था. के एंगल बायसेक्टर डिवाइड करता है सामने वाली साइड को उस रेशियो में जिस रेशियो में वो साइड्स को कंटेन करता है. सो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, दिस इज वॉट वी हैव टू प्रूव. और इससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा, कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे. एग्जाम्पल एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसके अंदर एक एंगल बायसेक्टर लाया कर रहा है, एंगल बायसेक्टर है तो सेम एंगल्स में डिवाइड करेगा, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वैल्यू ऑफ ए बी इज 10 एंड वैल्यू ऑफ ए सी इज 15, फाइंड बी डी अपॉन डी सी, आपसे वो बी डी अपॉन डी सी का रेशियो डिटरमाइन करेगा. तो आपको करना क्या होगा, सेम थ्योरम अप्लाई करनी है कि एंगल बायसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग इट. So you can write it as BD upon DC is equals to BA upon AC, and BA is 10, AC is 15,
बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू 10/15, जो कि 5 का फैक्टर अगर मैं काट दूँ तो दिस रेशियो वुड हैव बीन 2:3। सो क्वेश्चन में 2:3। अगर वो ऐसा भी करता है कि फॉर एग्जाम्पल वो डी सी की वैल्यू दे देता है आपको और आपसे कहता है कि बी डी की वैल्यू निकालो, तो आपके पास अगर रेशियो है डी सी की वैल्यू, अगर आपको मान लो 20 दे दी है, तो आप यहाँ पे इस रेशियो में डी सी की जगह आप 20 सब्सट्यूट कर देंगे, उससे आपको बी डी मिल जाएगा। या फिर वो बी डी की वैल्यू दे देता है तो आपको उससे डी सी मिल जाएगा, तो बची हुई साइड इस तरीके से आपको मिल सकती है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। एक फिगर दे रखा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और उस फिगर में इट इज गिवन दैट के पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये जो पी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम आ जाएगी। मोर ओवर इफ बी क्यू व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट ए सी एट आर, बी क्यू को हमने प्रोड्यूस करा तो ए सी को आर पॉइंट पे मिल रहा है। अच्छा, पी भी मिड पॉइंट है, मोर ओवर क्यू इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, ए पी का जो मिड पॉइंट है वो क्यू भी है, तो मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, मतलब ए क्यू भी किसके बराबर है, क्यू पी के बराबर है। आपको प्रूव करना है आर ए की लेंथ 1/3 होगी। देखो ध्यान से देखो, आर ए की लेंथ 1/3 होगी सी ए के, तो ये जो आर ए की लेंथ है वो 1/3 आपको प्रूव करनी है सी ए के। सो करना क्या होगा आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं ऊपर ले आता हूँ, आई होप अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। सो हम क्या करें इसके अंदर अप्लाई, सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं कि इसमें पैरेलल लाइंस कौन सी दे रखी है ताकि हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकें। क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बिहाफ पे मुझे एक भी लाइन पैरेलल नहीं दिख रही है दूसरे के, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे यहाँ पे सबसे पहला ही स्टेप कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि जब तक पैरेलल लाइंस नहीं बनाऊंगा तब तक मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई ही नहीं कर सकता। सो सबसे पहला कि आप पी पॉइंट पे खड़े होके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो पी क्यू आर हमने यूज कर लिया है, सो आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट इट एज एस। सो कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ पी एस पैरेलल टू क्यू आर। छोटा सा कंस्ट्रक्शन है कि पी एस को हम पैरेलल बना देते हैं क्यू आर के, तो मैं यहाँ पे पी एस और क्यू आर में एक पैरेलल का साइन लगा रहा हूँ। अच्छा, अगर पी एस पैरेलल हो गए क्यू आर के तो मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है इसके अंदर, और वो ट्राइंगल है ए पी एस, ए पी एस ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, ए पी एस, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए पी एस। मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एज अ पार्टीशन पार्टीशन। सो इन ट्राइंगल ए पी एस क्यू आर पैरेलल हो जाएगा पी एस के, सो बाय बी पी टी। तो बी पी टी थ्योरम ये बोलती है कि कोई भी लाइन अगर बेस के पैरेलल है, क्यू आर पैरेलल है पी एस के, तो ए क्यू अपॉन रेशियो बराबर हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन आर एस। सो ए क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन आर एस, एंड सिंस क्यू इज द मिड पॉइंट, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है तो ए क्यू किसके बराबर आ जाएगा, क्यू पी के। अब अगर ए क्यू और क्यू पी बराबर आ गए तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ओनली क्या बचेगा, वन। तो यहाँ पे आर एस डिवाइड में चल रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, सो आर एस की लेंथ बराबर आ जाएगी ए आर, सो आर एस इज इक्वल्स टू ए आर। मोर ओवर एक दूसरा ट्राइंगल उठा लेते हैं हम, और वो ट्राइंगल है सी बी आर, इन ट्राइंगल सी बी आर। आपको सी बी आर ट्राइंगल दिख रहा होगा, उसमें पी एस पैरल है बी आर के। इट इज गिवन दैट पी एस पैरल है बी आर के, और अगर पी एस पैरल है बी आर के सो अप्लाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इज ट्राइंगल में लगाइए। सो यू विल फाइंड के सी पी अपॉन पी बी,
CP upon PB is equals to CS upon SR. CP upon PB is equals to CS upon SR. SR भी या फिर RS भी जो आप चाहें वो लिख सकते हैं. अच्छा, आपको क्वेश्चन में देख के ये नजर भी आ रहा होगा कि P is the midpoint. तो CP की वैल्यू जो है वो PB के बराबर है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेंस CP की वैल्यू वो है PB के बराबर, ब्रैकेट बना देता हूँ यहाँ पे. तो CP और PB तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे ओनली बचेगा 1 और SR उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, SR या फिर RS जो भी लिख सकते हैं. सो RS बराबर आ जाएगा CS के. अच्छा, इक्वेशन 1 ये बोल रही है कि RS AR के बराबर है, इक्वेशन 2 बोल रही है कि RS CS के बराबर है. सो AR RS एंड CS ये दोनों, ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस इक्वल आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस मैंने स्मॉल a के बराबर मान लिए. सो डायग्राम में मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी स्मॉल a हो जाएगा, RS वाला भी स्मॉल a हो जाएगा और CS वाला भी स्मॉल a हो जाएगा. अच्छा, क्वेश्चन में निकालना क्या है आपको, AR का रेशियो है और AR को प्रूव करना है 1/3 ऑफ CA. सो CA तो तीनों के मिक्सचर से बन रहा है और AR जो है वो अकेला A है. तो मतलब आपको टू प्रूफ जो है वो AR अपॉन CA को 1/3 प्रूफ करना है. सो टू प्रूफ इज AR अपॉन CA इज 1/3. अच्छा, अगर मैं जो अबव रिजल्ट है उसके बिहाफ पे जाऊं तो AR की वैल्यू तो A है और CA या फिर AC की वैल्यू है वो 3A है. जैसे ही मैं AR और CA को डिवाइड करूंगा, सो आई विल फाइंड के A अपॉन 3A, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और ओनली 1/3A बचेगा. सो 1/3 बचेगा. सो AR की लेंथ 1/3 आ जाएगी CA की लेंथ की. सो इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस क्वेश्चन यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड, प्रूविंग के बेस्ड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे रेफरेंसेस, अच्छे पब्लिशर्स की रेफरेंस बुक्स पे मिल सकते हैं. तो आप वहाँ से एक बार और भी अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा. जो बेस्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन इन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम दे रखी है और उसमें ये कहा गया है कि एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल हैं और वो दो साइड्स मैं मार्क कर देता हूँ. ए बी पैरेलल है सी डी के और डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे. जैसे दो डायगनल्स हो गए ए सी और बी डी, वो दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. शो डैट ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ और बी ओ का रेशियो बराबर होना चाहिए सी ओ और डी ओ के रेशियो से. सो इसको प्रूव करना है. अच्छा, रेशियोज की बात आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग रही है, लेकिन लगाना कैसे होगा उसके बारे में सोचते हैं. हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट से एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे जो कि पैरेलल होगा ए बी के, और क्योंकि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो ओ पी पैरेलल ए बी के भी होगा और ओ पी पैरेलल सी डी के भी होगा. सो कंस्ट्रक्शन में हम स्पेसिफाई भी कर देते हैं, ड्रॉ ओ पी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी. आप ओ पी को पैरेलल बनाइए ए बी के भी और सी डी के भी. ठीक है, तो सबसे पहला जो ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, डी ए बी. आपको दिख रहा होगा आई होप, इन ट्राइंगल डी ए बी. अच्छा, डी ए बी ट्राइंगल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन से ओ पी पैरेलल टू ए बी बनाया, और अगर OP parallel to AB है तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई जा सकती है. सो अप्लाइंग BPT. सो BPT थ्योरम सेज दैट कि अगर लाइंस पैरेलल है तो रेशियो सेम होंगे. सो DP अपॉन PA
dp upon pa is equals to do upon ob. So dp upon pa is equals to do upon ob. This is equation 1. Now coming to the next triangle, I'm writing it as n triangle ACD. So ACD triangle ko agar aap observe karenge to ye kuch aisa ban raha hai. DCA. So ACD. ACD mein again O point is here. Ye P point ho gaya. OP parallel aa gaya CD ke. OP parallel aa gaya CD ke. So again main isme BPT laga deta hu. Ratios are same if lines are parallel. So DP upon PA is equals to CO upon OA. CO upon OA. So DP upon PA is equals to CO upon OA. Acha, equation 1 mein tha ke DP upon PA DO upon OB ke barabar hoga. Aur equation 2 mein DP upon PA CO upon OA ke barabar hoga. So हम इसके अंदर लिख देते हैं from 1 and 2, equation 1 and 2, अगर left hand sides equal हैं तो right hand sides भी equal होंगे, so DO upon OB is equals to CO upon OA, तो left hand side में DP upon PA DO upon OB के बराबर था, DP upon PA CO upon OA के बराबर था, तो DO upon OB को भी CO upon OA के बराबर होना पड़ेगा, तो यहां से हमें ये पता लगा कि ये दोनों रेशियो सेम है. अच्छा क्वेश्चन में हमें AO upon BO दे रखा था, तो मैंने क्या किया कि इस AO को तो कर दिया इधर शिफ्ट और DO को कर दिया इधर शिफ्ट. So what I got is कि AO तो चला गया न्यूमरेटर में. So AO के नीचे है BO is equals to CO अपनी प्लेस पे ही है और नीचे आ गया अब DO. So AO upon BO is equals to CO upon DO. This is we have to prove in this question. और ये हमने prove कर दिया है using basic proportionality theorem. So I hope आपको ये सारे questions जो आज मैंने इस lecture में discuss करे हैं basic proportionality theorem से related, ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे. और इसकी practice के लिए आप कोई भी reference book उठा सकते हैं और उसमें इसी तरीके क्वेश्चंस एक बार ट्राई कीजिए. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो जिसमें आपको प्रूविंग्स करनी होगी जैसा ये हमने यहां पे प्रूव किया एक ट्रेपीजियम वाले क्वेश्चन में, और दूसरा सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ये होगा कि आपको लेंथ सेगमेंट किसी भी लाइन सेगमेंट की डिटरमाइन करनी होगी. तो जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन किए थे जिसमें x की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी थी, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में दो टाइप में ही मिल सकते हैं. इसके अलावा या तो प्रूविंग वाला होगा या फिर लाइन सेगमेंट की लेंथ डिटरमाइन करने वाला होगा. इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आई होप कोई और नहीं हो पाएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस. अच्छा इससे अगले लेक्चर में हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे. अभी तक हमने कोई भी सिमिलैरिटी से रिलेटेड डिस्कशन नहीं किया. सिमिलैरिटी की बेसिक डेफिनेशन के बारे में जरूर पढ़ा लेकिन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में अच्छे से अभी तक नहीं पढ़ा. तो अगले लेक्चर में आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल EMS Academy को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल. सो थैंक यू सो मच.